रहीम अली मदद, ली मदद आ, आज की इस वीडियो में हम बीबी फातिमा सलामल और सलाम के अकद के बारे में बताएंगे कि वो कब और कैसे हुआ मगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हुसैनी स्टूडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाएँ और हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किसके बारे में किस मौजू पर सुनना चाहते हैं जब बीबी फातिमा सलामल इस दुनिया में तशरीफ़ लाईं तो लोगों ने बहुत सी बातें की कि खुदा के रसूल के घर बेटा नहीं हुआ बल्कि बेटी हुई है वो जानते नहीं थे कि ये बेटी मलिकतुलरब के घर में हुई है कि जहाँ ये वो बेटी है कि जिसके ग़ुलाम फरिश्ते होंगे वक्त गुज़रता रहा और जब बीबी फातिमा सलाम शादी के काबिल हुई तो हर तरफ़ से आपके लिए पैगाम आना शुरू हो गए सब ने अपना रिश्ता भेजा फिर रसूल ख़ुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब कोई भी मेरी बेटी का रिश्ता ना लाए क्योंकि मुझे फ़ातिमा ख़ुदा ने अता की है तो इसकी शादी का फ़ैसला भी वही परवरदिगार करेगा हज़रत जब्राह अमी नाजिल नाज़िल हुए और कहा कि अल्लाह के रसूल खुदाबाद सलाम फरमाता है कि तुम फातिमा के अकद के लिए परेशान मत हो मैं आज की रात एक सितारा नाजिल करूँगा जिसके दर पर वो सितारा गिर गया तो फ़ातिमा का अकद इसी से होगा तारीख गवाह है कि इस रात सब ने दुआ की कि काश सितारा हमारे दर पर आ जाए मगर तारीख़ गवाह है और रिवायात में मिलता है कि सितारे ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दर पर सलामी देकर यह साबित कर दिया कि अली के सिवा कोई भी फ़ातिमा अलैहा के लायक नहीं है सितारा मौलाई सलाम के दर पर नाजिल हुआ और रसूल ख़ुदा सल्ह वसल्लम की ख़ुशी की कोई इंतहा न रही कि उन्हें अली जैसा दामाद मिला जानते तो रसूल थे मगर सबको बताना था कि अब कोई भी फातिमा का रिश्ता लाने की जरूरत न करे मोहम्मद सल्ह वसम ने अली से कहा कि अली हम अपनी लड़की काका कर तुमसे करना चाहते हैं और मौलाई ने रसूल के आगे सर झुका दिया रिश्ता मुकम्मल हो गया रसूल ख़ुदा ने मस्जिद में निकाह पढ़ाया उधर इमाम सलाम ने अपने कमरे के फ़र्श को इस तरह सजाया कि एक बकरी की खाल बिछाई जिस पर दुल्हन को यानि फ़ातिमा सलाम उल्ला लेहा को लाकर बिठाना था एक बोरिया बिछाया कि कोई मिलने के लिए आए तो इस पर बैठ जाए एक खूंटी पर अपनी चादर और एक खूंटी पर आटा छाने वाली छानी लटका दी और इधर फ़ातिमा सलाम के जहेज़ में जो कि अरब की बेटी थी कि जिसने लाखों शादियां करवाई थी उसके जहेज में दुनिया देख रही थी कि जाने क्या कुछ होगा मगर सब ने देखा कि जहेज में एक बोरिया सोने के लिए ओढ़ने के लिए एक चादर पानी पीने के लिए लकड़ी का गिलास आटा पीसने के लिए एक चक्की छः चांदी की चूड़ियाँ दो तांबे की देगचियाँ और एक मशकीज़ा था